सो आज है हमारे पास ऑल न्यू एंडीवर भाई। एंडीवर के अंदर काफ़ी सारा काम यहाँ पे किया जा रहा है। मेन काम गाड़ी के अंदर ऑडियो का है, मिस मत करना, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। सबसे पहले जो एंडीवर के अंदर कर रहे हैं, इसकी ना रिक्वायरमेंट आती है हमेशा एंडीवर की कि इसकी जो फ्रंट की ग्रिल है ना, इसको थोड़ा ऐसा बनाओ यूनिक सा कि जिसमें फोर्ड लिखा हुआ होता है, लाइट जली हुई होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम कर रहे हैं। ये देखो, ये कुछ पीसेस होते हैं, हर एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी भैया ने अटैच कर दिए आगे के। ये है इसका डी FORD। ये अभी इस पर जो है लाइट जलेगी आउटलाइन में, और इसको ये यहाँ फिट कर रहे हैं प्रॉपर नट बोल्ट के साथ भैया। गाड़ी के अंदर मेन काम ना इंटीरियर के अंदर हुआ है। यहाँ से आपको दिखाता हूँ। गाड़ी के अंदर पूरा ऑडियो अपग्रेड किया है। गाड़ी के अंदर जो है पूरा का पूरा ऑडियो यहाँ पे अपग्रेड किया गया है। डैम्पिंग गाड़ी के अंदर हो चुकी है 3M की प्रॉपरली, ठीक है भैया। डैम्पिंग यहाँ पे हो चुकी है। कापा सीरीज़ के अपने कंपोनेंट्स यहाँ पे फिट हो चुके हैं। अभी डिटेल में कंपोनेंट्स के बारे में आगे आपको लेके चलूँगा बताने के लिए। इसमें आपको बताया मेन काम अपने गाड़ी के अंदर ऑडियो का ही है। तो अपना यहाँ पे जो कंपोनेंट लग गया है, हेड यूनिट अपना स्टॉक रहने वाला है। तो स्टॉक हेड यूनिट के साथ आपको जो है हाई लो कन्वर्टर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, ताकि आप जो है अपने हेड यूनिट की जो है पावर बढ़ा सके। क्योंकि जो अपने हेड यूनिट स्टॉक आते हैं उनके अंदर इतना लोड नहीं होता कि आपके हैवी कंपोनेंट्स को या वूफर्स को जो है रन कर सके। उसके लिए हम इसमें लगाते हैं हाई लो कन्वर्टर, जिससे कि आपको RC के आउटपुट यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ साथ मैं आपको अगर गाड़ी को पीछे लेकर आऊँ तो यहाँ आप देख रहे होंगे कोएक्सल स्पीकर हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए। और एम्पलीफायर्स की यहाँ बात करें तो यहाँ पे अपने रॉकफोर्ड का प्राइमस का एम्प यहाँ पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं। भैया का जो अपना खुद का, ये हमारा अपना, ये देख लो उसके अंदर पूरी पन्नी चढ़ी हुई है, पूरा ब्रांड न्यू है इन्फिनिटी का, ठीक है। लेट्स सी, 2 amp होने का मतलब ये है कि गाड़ी के अंदर जो है वूफर का सौदा भी किया जाएगा, ठीक है। ये देख लो डैम्पिंग पहले 3M की प्रॉपरली कर दी गई है इसके अंदर। इसका आउटपुट सुने बिना तो भाई बिल्कुल मत जाना, और पंजाबी गाना सुनने के लिए इंस्टाग्राम पे आ जाना Gaurav_7827 जो यहाँ 12वें मिनट में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। गाड़ी के अंदर के बारे में बात करें, यहाँ भैया अभी जो सायरन यहाँ पे लगा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसको कि हम बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हम। सो अभी यहाँ बात करें अपने राइट हैंड साइड के डोर्स की, तो यहाँ पे हमने जो है कापा का जो है कंपोनेंट इंस्टॉल किया, साथ में रिंग की फिटमेंट करी है, और जिससे कि जो अपना कंपोनेंट अच्छे से प्रॉपरली ग्रिप ले, और एज वेल एज इसके ऊपर वाटर गार्ड भी लगाया है, जिससे कल को पानी वानी भी आएगा तो कंपोनेंट तो एटलीस्ट सेफ रहेगा। तो ग्रिपिंग बहुत अच्छी होती है इससे, डायरेक्ट इसके ऊपर लगाने से भी अच्छा होता है, बट इसके ऊपर लगाओगे तो सोने पे सुहागा होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ इस गाड़ी के अंदर वूफर लगने वाला है, बहुत ज़्यादा हैवी है। जैसे मैंने आपको बताया था गाड़ी के अंदर वूफर बहुत ज़्यादा हैवी लगने वाला है, तो ये अपनी रहने वाली है इसकी पेटी पूरी, जिसको हम पूरा कस्टमाइज़ करेंगे अभी नट बोल्ट से, मतलब टाइट वाइट करेंगे अपने वूफर को। मानसू वूफर कितना आ रहा है इसका अपना, ये अपना 500 वोट आ रहा है इसका। और इसमें मतलब क्या कहते हैं ये, इसके लिए एम्प तो नॉर्मल लग जाता है, कोई हाई एंड एम्प लगाना पड़ता है? इसके लिए मोनो एम्प लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो एक बार इसको दिखा भी देता आपको कि कैसे जो है इसकी लुक आती है भाई। अब जो जो म्यूजिक के शौकीन है ना बंदे, उनके तो मुँह में पानी आ रहा होगा इसको देख के। देख लो, ये देखो भाई, और इसकी आउटपुट भाई सुनने लायक होगी। मैग्नेट देख रहे हो कितनी बढ़िया है यार इसकी, अल्ट्रा लो मिड आएगी इसकी। ओके, ये देख लो, जबरदस्त ना बड़ा है, तो 12 इंची ना है, 12 इंची देख लो। ये फिटमेंट कुछ ऐसी आएगी इसके ऊपर, ये अपर सीरीज का है ना, ये ऊपर ये सबसे हाई एंड सीरीज है इसकी, इन्फिनिटी की ना। ये है कापा, देख लो इसकी जो सेंटर में देख पा रहा हूँ, मटेरियल भी काफी अलग लग रहा है यार, है ना। और ये साइड की रबर भी कितनी ज्यादा हैवी है, मतलब इसकी आवाज सुनने लायक होगी। और पेटी तो है ही, जब भी आप वूफर अपना कस्टमाइज करवाओ तो मेक श्योर पेटी भी आपको हैवी लेनी पड़ती है, नहीं तो फिर क्या होगा, पेटी की आवाज़ भर भर करती रह जाएगी, मेरे ख्याल से मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो पेटी हमेशा हैवी रखवाना अगर आप जो है वूफर लगवाते हो। वूफर भाई मैं रिकमेंड करूँगा ऐसे लगवाना अगर आप म्यूजिक शौकीन हो तो। चलिए आप बात करते हैं गाड़ी की एम्बिएंट लाइट की। डोर्स पर आपको 18 मतलब टोटल गाड़ी के अंदर जो 18 पीसेस की एम्बिएंट लाइट यहाँ पे जो इंस्टॉल की जा रही है, जहाँ पे कि डोर्स पे आएगी, आपके कप होल्डर के अंदर आएगी, सामने डैशबोर्ड के अंदर भी आएगी, काफ़ी जगहों पे जो आपको एम्बिएंट लाइट भी यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। फ्रंट पे भैया हमारे काम कर रहे हैं, फ्रंट की ग्रिल अपनी लग गई, ये लो भैया यहाँ पे ग्रिल ऑन भी हो गई है, कुछ ऐसे नज़र आती है इसकी ग्रिल, फोर्ड लिखा हुआ, ज़बरदस्त, मतलब फोर्ड लो तो ये लुक तो होनी चाहिए। यहाँ पे अपनी 18 पीसेस की एम्बिएंट लाइट अपने जो एंडीवर के डोर्स पे इंस्टॉल की जा रही है, पूरे इस एंगल में रहेगी, अंदर भी रहेगी। लेट्स सी, ये रहा अपना जिसके अंदर अपनी एम्बिएंट लाइट लग चुकी है, ये इसके अंदर लगी हुई है। और ये एम्बिएंट लाइट भी तो डिफरेंट वाली है, जिसको जो कि काफ़ी एकदम अंदर रहेगी, सटीक है एकदम, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, और इसके अंदर भी लाइट रहेगी इसकी। सो अब हमारे यहाँ पे जो है वूफर की हो रही है वायरिंग प्रॉपर, और वाइपर ऑडियो की जो है इसके अंदर पेटी लग रही है। यहाँ पे अपनी गाड़ी में काफ़ी हद तक काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये अपनी है एक्टिव एम्बियंस, बहुत प्रॉपरली, कहीं लाइट ड्रॉप नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि लाइट में कोई कमी है, कहीं भी ड्रॉप हो रहा है, ऐसा कुछ भी इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। इवन अंदर भी इसके अंदर लाइट मिलती है आपको,
नीचे भी मिल रही है लाइट, काफ़ी जगहों पे जो है लाइट ऑलमोस्ट डन है, काम गाड़ी का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ा बहुत बचा है, उसके बाद मैं आप लोगों को सुनाऊंगा इसका आउटपुट जिसका कि आप एक्चुअल में वेट कर रहे हो। डैशबोर्ड में भी लग गई है लाइट, लेट्स सी, थोड़ी देर और को पूरी वीडियो दिखाता हूँ विद आउटपुट। सो यहाँ पे हुई अपनी फोर्ड एंडीवर पूरी तरह से कंप्लीट। तो विजय भैया कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हो? भैया बहुत बढ़िया। अच्छा भैया क्या काम किया है फोर्ड के अंदर आपने, एंडीवर के अंदर? फोर्ड के अंदर भैया लमसम सिस्टम का काम था और एंबिएंट लाइट की, बाद बाकी तो ये मॉडल टॉप होते हैं, इसके अंदर सब कुछ लग के आता है। हाँ जी ठीक है भैया, सिस्टम का शौकीन थे तो इसके अंदर सारे सेटअप लगाया हम। ठीक, पूरा ए टू जेड सेटअप का। हाँ ठीक, तो आपको सारा चीज बताते हैं। चलिए, सो विजय भैया सबसे पहले आपने क्या काम किया इस गाड़ी के अंदर फ्रंट? भैया सबसे पहले हमने इसके अंदर लगाया फोर्ड की ग्रिल, फोर्ड की ग्रिल इसके अंदर की व्हाइट लाइट है इसके अंदर, अभी ऑन कराते हैं। ऑन कर दो खाली बस। तो ये है इसका कुछ ऐसे नजर आता है इसका फोर्ड का फ्रंट का लुक, बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मतलब जिनके पास मैंने देखी है एंडीवर वो लोग लगाते हैं। लुक गाड़ी फोर्ड की जो इको स्पोर्ट आया था और एंडीवर पुरानी, हाँ इसी दोनों गाड़ी का एक ग्रिल आया था, उसके बाद काफी सारी गाड़ी का ग्रिल लाइट वाले आने लग गया। ठीक, और ठीक, जो ठीक। स्टार्टिंग हुई थी वो इको स्पोर्ट पुरानी और एंडीवर से हुई थी। तो भाई एंडीवर की ये फ्रंट ग्रिल बहुत ज्यादा प्यारी भी लग रही है और अग्रेसिव लुक भी देती है फ्रंट से। दोनों मॉडल का हमारे पास एनी टाइम अवेलेबल होता है। ठीक ठीक ठीक। इसके बाद हमने लगाई नीचे एलईडी लाइट, नीचे एलईडी फॉग लैंप्स के अंदर भी। हाँ जी, और हेडलाइट तो इसको प्रोजेक्टर में भी ऑलरेडी व्हाइट लाइट लग के आते हैं, लग के आती है हाई बीम एलईडी लाइट, हाई बीम में लगा हुआ होता है। ठीक 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 है। इसी तरीके से साइड भी इसके अंदर लगा, साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, इसमें डोर वाइजर भी हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, ये रहा है डोर वाइजर्स। ठीक है भैया, डंपिंग हुई है गाड़ी के अंदर भैया? गाड़ी के अंदर भैया डबल लेयर डंपिंग हुआ है। ठीक, एक बार ये यहाँ से दिखा दो मार के, जैसे इस वाले पोर्शन पर, इस वाले पोर्शन पर दिखा दो, ये देख रहे हो, और यहाँ ये बज रहा है, और ये देखो मतलब डबल लेयर डंपिंग करी है इसके अंदर। अच्छा भाई एक बात बताओ, ये महंगी गाड़ी में भी डंपिंग की नीड पड़ती है? भैया डंपिंग हर गाड़ी में जरूरत होता है, इससे गाड़ी के अंदर हमिंग बिल्कुल नहीं होता, रोड नॉइज जो होता है वो बिल्कुल नहीं आता, और म्यूजिक की एनहांसमेंट भी होती है, म्यूजिक का भी जो भी आवाज होता है वो बिल्कुल साफ क्लियर आवाज आता है। ठीक ठीक ओके। तो इसके बाद इसके अंदर जो कमाल धमाल की चीज है वो है एक्टिव एम्बियंट लाइट, एक्टिव एम्बियंट लाइट अपन नजर, ये आदमी कहता है ना मर्सिडीज वाली लाइट चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल वही लाइट है, सात कलर जलते हैं। भैया काफी ज्यादा बारीक नहीं है? हाँ बिल्कुल बारीक सी है ये, एकदम अंदर जा रखी है। अच्छा मतलब जो पहले आती थी वो टच होती थी, और ये देखो कितनी ब्राइट है यार, पाइपिंग आते हैं इसके अंदर भी डैशबोर्ड के लिए, तो यही पाइप है, पाइप आते हैं। ठीक ठीक, ये नया नई आई है जो है वो पीस बाई पीस बना हुआ आता है। अच्छा भैया ये किसी किसी गाड़ियों का अकॉर्डिंग आता है या ये मतलब नहीं, ये यूनिवर्सल है, इसको हमें गाड़ी के अगेंस्ट बनाना पड़ता है, जिस गाड़ी में किस हिसाब से लगेगा वो सेट हमारे को करना पड़ता है। भाई बहुत प्यारे लग रहे हो, ग्लो कितनी जबरदस्त कर रही है यार, मतलब अमेजिंग है, मतलब काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। ठीक है भैया, मेन लाइट इसके अंदर इसकी बोतल होल्डर में या ग्लास होल्डर होल्डर इसके अंदर भी है। अच्छा इसके अंदर 18 पीस का किट भी आते हैं, 6 का भी आता है, 10 का भी आता है, 14 का भी आता है। ठीक, तो इस गाड़ी के अंदर जो आप यहाँ देख रहे होंगे रेड कलर की लाइट है, इसलिए ये वाली पार्ट लगा नहीं है, इसके अंदर ऑलरेडी आती है, इसलिए ये वाली पार्ट लगा नहीं है, नहीं तो फिर लग सकता है। ठीक है, ये डैशबोर्ड देखो, डैशबोर्ड भी लगा हुआ है, एंबिएंट लाइट बहुत प्यारी यहाँ पे लुक दे रही है। तो यहाँ पे हम गाड़ी के जो है अंदर ही स्विच करते हैं, ताकि आपको डैम्पिंग का भी पता लगे कि कितनी जो है साइलेंट गाड़ी यहाँ पे हो चुकी है। ये आपको डोर छूने के बाद जो बंदा डोर पकड़ेगा बंद होते ही पता लग जाएगा, हैवीनेस से पता लग रहा है, हेवी डोर है सही में भैया। अच्छा भैया अब हम कुछ बातें मैं इसके बारे में पूछना चाहूँगा कि आपने जो है इसके अंदर कौन कौन सी जो है कंपोनेंट्स वगैरह क्या लगे हैं, स्पीकर कौन से डाले, सारी चीज़ें बता दो भैया। इसके अंदर कापा का आगे कंपोनेंट लगा है, कापा का कोएक्सल लगा है, ठीक, कापा का गूफर लगा है इसके अंदर, सारा पेयर कापा का ही है। इसके अंदर जो बॉक्स लगे हैं वो वाइपर ऑडियो, वाइपर ऑडियो, ठीक ठीक है जी। एम्पलीफायर जो है वो आपको इन्फिनिटी का ही है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा भैया एक बात पूछनी है मेरे को, भैया अपना जो एम्पलीफायर लेकर आए थे वो चला इस पे कि नहीं चला पाया? इन्फिनिटी इसका रॉकवुड का प्राइम सीरीज का एम्पलीफायर था, उसमें दिक्कत था, आवाज ठीक 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 निकल नहीं पा रही थी। हाँ तो इसके लिए वो कली भैया का मूड था कि इन्फिनिटी का ही सारा सेटअप कराना है। ठीक ठीक ठीक। तो इन्फिनिटी का ही एम्पलीफायर दोबारा लगवाया उन्होंने। ठीक ठीक, चलो मतलब ये चीज मतलब पूरी सेट है कि पूरा इन्फिनिटी कापा का ही पूरा काम हुआ है गाड़ी के अंदर। ठीक है, अभी इसकी आवाज भी आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगी। अच्छा विजय भैया एक बात बताओ, ये हेड यूनिट तो इसका स्टॉक है, ठीक है, लेकिन स्टॉक के अंदर ये आप ये कैसे देख पा रहे हो मैं एंड्रॉइड वाली चीजें?
भैया इसके अंदर हमने लगाया है मेगा ऑडियो का 464 पिकासो, ये रहा अंदर और बिल्कुल इजी है, कोई भी लगा सकता है, ये देख सकते, देखते हो बस। अच्छा, ये चीज़ ये छोटी सी एक डिवाइस है, इसको आप लगा रहे कहाँ पे भैया? बस यूएसबी के अंदर ये वायर लगा हुआ है। ये देखो भैया यूएसबी के अंदर सिर्फ वायर लगाई है और सिस्टम बन गया आपका एंड्रॉइड। आप यूट्यूब देख सकते हैं सामने, ये सारा कुछ आपके सामने है, ये स्टॉक है भैया। हाँ जी, मतलब जैसे किसी की गाड़ी में अगर भैया यूट्यूब वगैरह नहीं चलता, पाइनियर वगैरह में भी, तो वो लोग इसको लगा सकते हैं? हाँ जी, पाइनियर हो गया, सोनी हो गया, या जितनी भी महंगी कार हो या सस्ती कार हो, जिसके जिस सिस्टम के अंदर अगर एप्पल कार प्ले है, ठीक है, तो उसके अंदर पिकासो लग जाएगा। ठीक, और इसके अंदर 464 है, ठीक है, और जितनी मर्जी आपको स्टोरेज इस पे करना है उतना कर सकते हो, जो भी डाउनलोड करना हो, या आप यूट्यूब चलाना हो, गूगल मैप चलाना हो, वैसे तो इन गाड़ियों में मैप खुद ही हो, अच्छा होता है, हाँ, है अच्छा होता है, पर इसके अंदर भी होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके का, हमारे पास अवेलेबल होता है एनी टाइम। ठीक है भैया, मतलब भाइयों अगर आपकी गाड़ी अगर आपको स्टॉक हेडमेट बहुत ज्यादा पसंद है पर यूट्यूब कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो आप पिकासो को अपनी गाड़ी में जरूर लगा सकते हो, मेगा ऑडियो का बहुत ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं बढ़िया चीज वो है। ये देख रहे हो पूरा एंड्रॉइड बन चुका है यार, यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स मिल रहा है, यूट्यूब मिल रहा है, यूट्यूब म्यूजिक मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और एज वेल एज आप इसको जो है पूरा स्टॉक भी कर सकते हो अपना, इसको हटा के अपना जो नॉर्मल यूज कर लो, है ना भैया? हाँ जी। अच्छा भैया कितना टाइम लगता है इस तरह की गाड़ी को रेडी करने में? पूरी दिन लग जाता है, पूरा एक दिन। ठीक, अच्छा भैया एक बात बताओ, ये तो हमने सिर्फ ऑडियो दिखाया है, आप इसके अंदर और क्या क्या काम कर सकते हो भाई साहब? इसके अंदर काफी सारी एसेसरी हमारे पास, जैसे टुकड़ी जो साइड ग्लास देख रहे हैं, इसके अंदर भी इंडिवर लिखा हुआ, इंडिकेटर पे टुकड़ी में लाइट जलता है, ठीक, ठीक, पीछे ठीक। पिलर लाइट इसमें भी लगाया है, रिफ्लेक्टर लाइट होता है, पीछे इम्बोजिंग होता है इंडिवर की, ठीक ठीक ठीक, जो टेल लाइट के बीच में होते हैं, इसके टेल लाइट का पीस होता है हमारे पास, ठीक, जो आपको डिग्गी वाले पीस में लाइट नहीं जलता इंडिवर का, वो पीस होते हैं, मतलब काफी सारी स्कोप प्लेट होते हैं। हाँ जी, इसके बाद आपको ग्रिल में भी काफी सारी वरायटी है, ठीक 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 ठीक, तो इस तरीके से काफी सारी आइटम, मतलब वाइड रेंज है हमारे पास सामान की। अच्छा भैया इसकी एक बार आवाज सुनाते हैं, जिस चीज के लिए अभी वीडियो बनाई गई है, चलो अब सुनाते हैं हम आपको उसकी आवाज। तो यहाँ पे टाइम आ गया है इसके अंदर का एनसीएस एक म्यूजिक सुनने का, देखते हैं आउटपुट कैसी आती है, बूफर भी दिखाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। भैया भी आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोल्डी है। भैया कैसे लगा काम आपको भैया का? नहीं काम अच्छा लगा, बढ़िया लगा। जो अब आप कब कितने बजे आ गए थे? मैं काम आया सुबह आया था 1 बजे। ठीक है, और अब टाइम क्या हो गया? टाइम हो रहा है रात के 12 बजने वाले हैं। ठीक, मतलब लगभग लगभग मुझे 11 घंटे हो चुके हैं। काम कैसा लगा? काम अच्छा लगा, काम कोई दिक्कत नहीं। काम कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने सुना था आपने डिमांड करी थी कुछ चीजों की, सारा डिमांड पूरी की? सारी डिमांड सब कुछ, मतलब ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आपने मांगा कुछ और मिला कुछ और? नहीं नहीं ऐसा कुछ, ये जो चीज मांगी वो चीज मिल गई है। मतलब क्रिस्टल के अंदर आपको सारी चीजें मिली है, कोई ऐसा कमी पेशी नहीं रही है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भागे नहीं, सारा टाइम देके जा रहे हैं, चीज देके जा रहे हैं, चलो सब कुछ लगा के जा रहे हैं, मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है लगा कुछ भी जल्दी का काम नहीं। क्योंकि आपको देखिए कई लोग यहाँ पे आने वाले हैं, आप उन लोगों को बिल्कुल बिल्कुल जिसने आना है जल्दी आओ और क्रिस्टल पे एक रोल बाद जल्दी आओ। चलो भैया मुझे भी आप कुछ पूछोगे? बस भैया आपने बिल्कुल हमारे काम से बिल्कुल भैया संतुष्ट है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम ओके काम। अगर आपको भी अपनी गाड़ी में कुछ तरीके से काम करवाना है, चाहे तो ऑडियो सेटअप, चाहे तो इंटीरियर में, आपको दिखाता रहता हूँ। ये ऑडियो सेटअप था जो आई होप आप लोगों को पसंद आया ही होगा, ठीक है, काफी लोगों को पसंद आया होगा, काफी लोग जो डिमांड भी करते हैं भाई एक बार ऑडियो ऑडियो ऑडियो, तो यहाँ पे ऑडियो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं आपसे ना ऑडियो सेटअप की वीडियोस भी लेकर आऊंगा,
कमेंट जरूर करना अगर ऑडियो सेटअप की वीडियोस देखनी है, और डिटेल में भी लेके आऊंगा। आज थोड़ा मैं लेट रहा हूं तो फिर थोड़ा और डिटेल में बना सकता था, बट इसको और डिटेल में बनाएंगे, ऑडियो सेटअप आपको और सारे दिखाएंगे, हाई एंड भी दिखाएंगे। तो कमेंट जरूर करना अगर आपको हाई एंड ऑडियो सेटअप भी देखने हैं। तो विद्यशक आज के लिए, अगर आपको अपनी गाड़ी में जिस तरीके से काम करवाने का आ सकते हैं, किस कार केयर करो न्यू डे स्क्रीन पे नंबर है, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा यूजफुल लगा लाइक करना, शेयर करना। मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।